नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्रावण की पहली सोमवारी पर शिवालय रहे बंद, भक्तों ने मंदिर के द्वार पर पूजा कर कोरोना से मुक्ति की लगाई गुहार। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर व्यवसायियों ने निकाली जागरूकता रैली, शाम 5 बजे तक दुकान बंद करने की अपील। कोचिंग से घर लौट रहे शिक्षक को अनियंत्रित ट्रैक्टर ने रौंदा, मौके पर हुई मौत, गांव में मचा कोहराम। विश्वविद्यालय पहुंचा कोरोना का कहर, अधिकारी हुए संक्रमित, प्रशासनिक भवन को कराया गया सैनिटाइज। और मजदूरी कर वापस घर लौट रहे मजदूर की सड़क हादसे में हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। अब समाचार विस्तार से। पहली सोमवारी के साथ पवित्र श्रावण माह का आगाज हो गया है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। साथ ही कोरोना ने श्रावणी मेला पर भी ग्रहण लगा दिया है। बता दें कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब सावन मास में श्रावणी मेला का आयोजन नहीं किया गया। इस साल श्रावण मास में आस्था पर कोरोना वायरस का कहर भारी पड़ गया। शहर के अधिकतर मंदिरों में रविवार से ही मुख्य द्वार पर ताला लगा दिखाई दिया। सुल्तानगंज, अजगैवी नाथ, बाबा बूढ़ानाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर सहित शहर के अन्य शिवालय पर श्रद्धालुओं ने मंदिर के मुख्य द्वार पर ही भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वहीं कहलगांव अनुमंडल प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी मंदिरों में पूजा अर्चना पर रोक लगा दी है। भागलपुर बूढ़ानाथ मंदिर के प्रबंधन ने कोरोना वायरस को देखते हुए शिव भक्तों से मंदिर के बाहर द्वार पर भी नहीं आने की अपील की है। आदमपुर स्थित शिव शक्ति मंदिर में सिर्फ पुजारी ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। इधर श्रावण की पहली सोमवारी को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। शाहकुंड प्रखंड में पहाड़ पर स्थित शिव मंदिर में काफी भीड़ देखी गई। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाकर रख दिया। हालांकि पुलिस को इसकी सूचना मिलने के बाद भीड़ खाली कराकर मंदिर को बंद कराया गया। वहीं बांका अमरपुर के प्रसिद्ध शिव मंदिर, बाबा जठौर नाथ महादेव मंदिर, बाबा पनियानाथ महादेव मंदिर सहित कई मंदिरों में श्रद्धालु मंदिर के बाहर ही पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ से कोरोना वायरस से निजात की विनती व मन्नतें करते दिखे। स्थानीय लोगों ने कहा कि श्रावण मास में सोमवारी के मौके पर मंदिर का द्वार बंद होने के बावजूद हजारों श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना वायरस को रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। श्रावण का जो पूजा पाठ है सर, सब अपना सोशल डिस्टेंस के होते हुए बाहर में ही बाबा का स्मरण करके ध्यान करके निकल रहे हैं ताकि अंदर में उतना संक्रमण नहीं फैले, इसलिए इसका किया गया है। आज सोमवारी व्रत है, सोमवार का दिन है। आज सभी लोग सभी पूजा करने के लिए आते हैं शिव मंदिर में, मगर कोरोना के वजह से सारे मंदिर में ताला बंद है। लॉकडाउन से हम लोग को यही परेशानी है कि हम लोग शिव मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते हैं और पूजा नहीं कर रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है पूजा करने में। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और संक्रमण फैलने की आशंका को लेकर व्यवसायियों ने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दुकान खोलने का निर्णय लिया है। सोमवार को ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने पूरे बाजार में जागरूकता अभियान चलाया, साथ ही दुकानदारों से शाम 5 बजे तक दुकान बंद कर देने की अपील की। चैम्बर के अध्यक्ष अशोक भिवानी वाला ने बताया कि मार्केट इलाके में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसके बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण संक्रमित लोगों की संख्या में अत्यंत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रविवार को व्यवसायियों ने बैठक कर शाम 5 बजे तक दुकान बंद कर देने का आह्वान किया है, जिससे व्यवसायियों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। मौके पर गिरधारी केजरीवाल, दीपू भुवानिया, नितिन भुवानिका, अभिषेक जैन सहित काफी संख्या में व्यवसायी मौजूद थे। जैसा कि आपको पूर्व में से ही पता है, कल श्री गौशाला में भागलपुर के सभी व्यापारियों के प्रमुख संगठनों की एवं सभी प्रमुख व्यापारियों की आपसी बैठक हुई और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एहतियात बरतने के लिए, ताकि बाजार में भीड़ कम हो, शाम को लोग तफरी करने के लिए, मिलने जुलने के लिए ज़्यादा आते हैं, खरीदी के लिए कम आते हैं, तो सबों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि बाजार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोलने से काम हो जाएगा। सबों का इसमें सहमति है और उस सहमति को आज हम लोगों ने प्रचार करवाया है, माइकिंग करवाया है, पैम्पलेट बंटवाया है, दुकानों के आगे स्टिकर सटवाए हैं और अब अभी हम लोग चैम्बर के काफ़ी मेंबर और बाज़ार के जो व्यवसायी हैं, बाज़ार में लोगों को फिर से
जागरूक करने के लिए निकलेंगे, भाई आप लोग बढ़ाइए, अगर जिसको भी दिक्कत है बताइए क्या दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है तो हम लोग देखेंगे। इस बीच में हमारे जो वर्ग इनके निर्णय से, चैम्बर के निर्णय से सहमत हैं और सेटिस्फैक्ट्री है, हम लोग को ये अगर निर्णय हुआ है इनका तो बहुत सही हुआ है। जर्जर सड़क और बेलगाम ट्रक की वजह से जिले में लगातार सड़क दुर्घटना में वृद्धि हो रही है। लोग आए दिन अपनी जान ट्रक या ट्रैक्टर चालकों की लापरवाही से गंवा रहे हैं। बांका अमरपुर मुख्य मार्ग समुखिया मोड़ कबूतरी चौक के समीप एक युवक को अनियंत्रित ट्रैक्टर ने रौंद दिया। घटना में युवक की मौत मौके पर ही हो गई। मृतक की पहचान फुल्ली डूमर गांव निवासी लाल यादव के पुत्र राम प्रवेश यादव के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक बांका स्थित कोचिंग संस्थान में अंग्रेजी का शिक्षक था। रविवार को कोचिंग बंद रहने के कारण वह अपने मोटरसाइकिल से फुल्ली डूमर लौट रहा था। इसी दौरान कबूतरी चौक के समीप तेज रफ्तार बालू रदे ट्रैक्टर ने शिक्षक को कुचल दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल शिक्षक को इलाज के लिए बांका सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंच गई। इधर मृतक के घर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज संडे था, संडे के लिए छुट्टी था, छुट्टी में घर जा रहे थे, छुट्टी के कारण कई बड़ी गाड़ी चपेट में आने से डेट करके खत्म हो गई। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भागलपुर तिलकामांझी विश्वविद्यालय के एक पदाधिकारी की रिपोर्ट कोरोना वायरस पॉजिटिव आने के बाद पूरे विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के अन्य 12 कर्मी भी संदिग्ध बताए जा रहे हैं। पदाधिकारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सोमवार को तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन को संक्रमण मुक्त कराने के लिए सैनिटाइज कराया गया। विश्वविद्यालय परिसर को संक्रमण मुक्त बनाने के लिए कुलपति प्रोफेसर ए के सिंह के निर्देश पर DSW प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह एवं प्रॉक्टर प्रोफेसर राम सेवक सिंह ने पहल की। इसके साथ ही लालबाग स्थित प्रोफेसर क्वार्टर एवं विश्वविद्यालय अतिथि गृह को भी सैनिटाइज कराया गया। मौके पर FA पद्मकांत झा, FOSS एम्बस्ट, DOAN सहाय सहित अन्य विश्वविद्यालय कर्मी मौजूद थे। जो हमारे अधिकारी हैं, कुछ कर्मचारी हैं, वो अभी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना का टेस्ट कराने के लिए 11 से 2 बजे तक का समय दिया गया है प्रिंसिपल के द्वारा। तो अभी हम लोग यहाँ सैनिटाइजेशन कराने के बाद कोरोना की जांच कराने के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी वहां पहुंच रहे हैं। जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन हो रहे सड़क हादसे में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सोमवार की सुबह ट्रैक्टर के नीचे दबने से एक मजदूर की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए मजदूरों को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है। मृतक की पहचान बांथ थाना क्षेत्र निवासी छोटू तांती के 25 वर्षीय पुत्र सुखदेव तांती के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक के चाचा रामदेव ने बताया कि रविवार को सुखदेव मजदूरी करने सुल्तानगंज गया था, जहां से सोमवार की सुबह घर लौटने के दौरान कई मजदूर ट्रैक्टर पर सवार हो गए और इसी दौरान ट्रैक्टर चालक ने अपना संतुलन खो दिया और ट्रैक्टर पलट गई, जिसमें सुखदेव की मौत मौके पर ही हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सुल्तानगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने घायल मजदूरों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सुल्तानगंज से जो है ढलाई करके वापस घर लौटा था। घर लौटने के वक़्त जो है 3 बजे भोर में जो है उनका गाड़ी जो है पलट गई। गाड़ी ट्रैक्टर था और पीछे जो था मिक्सर मशीन, उसी मिक्सर मशीन पर सब मतलब जो है बैठा हुआ था। गाड़ी पलटने के बाद जो है ये सुखो तांती जो है मैंने अंदर दबा गया। ये तो प्लॉट डेट ही मतलब हो गए हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ENT हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर HI फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है। और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए AC, नॉन AC जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपा नगर, भागलपुर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। हर राजनीतिक दल अपनी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में विजयी बनाने के लिए सभी हथकंडे अपना रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को नाथनगर पुरानी सराय स्थित पंडित आश्रम में युवा जदयू की बैठक आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व युवा जदयू के जिलाध्यक्ष रजनीकांत सिंह ने किया। बैठक में जिले के विभिन्न प्रखंडों के सचिव एवं कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में 11 जुलाई को फेसबुक लाइव के जरिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता सह राज्यसभा सांसद RCP सिंह के वर्चुअल संवाद की विस्तृत जानकारी कार्यकर्ताओं को दी गई। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ने का दिशा निर्देश प्रखंड अध्यक्ष एवं जिला के पदाधिकारियों को दिया गया, ताकि पार्टी का विस्तार हो सके और चुनाव में प्रत्याशी को इसका फायदा मिले। वहीं युवा जदयू जिलाध्यक्ष रजनीकांत ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में पूरे राज्य में विकास की गंगा बही है। मौके पर अभिषेक कुमार सिंह, राजेश चौधरी, शोभा कांत पटेल, शिवेंद्र चौधरी, राहुल सिंह समेत जदयू के कई युवा कार्यकर्ता मौजूद थे। कि आने वाला 11 तारीख को फेसबुक लाइव जो है होने जा रहा है माननीय RCP सर के माध्यम से, और ये जो मीटिंग हम रखे हैं कि जन जन तक जाकर हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी सब लोग जन जन तक जाकर ये लोगों को बताएं कि हमारे माननीय के कार्यकाल में जो हुआ है वो ऐसा कहीं नहीं और कभी नहीं हुआ। इसकी जानकारी देने के लिए मीटिंग रखा गया है।
बांका अमरपुर थाना क्षेत्र महोता गांव स्थित प्रोन्नत मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय का दर्जा मिलने के बाद राशि आवंटन नहीं होने के विरोध में ग्रामीण एवं छात्र छात्रा सोमवार को विद्यालय परिसर में अमरन अनशन पर बैठ गए। अनशन का नेतृत्व पंचायत के पूर्व मुखिया मृत्युंजय शर्मा एवं संदीप शर्मा ने किया। इस दौरान पूर्व मुखिया ने बताया कि बांका में 58 मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय का दर्जा दिया गया है, जिसमें महोता गांव का मध्य विद्यालय भी शामिल है। राज्य सरकार ने विद्यालय में बेंच, डेस्क, शौचालय निर्माण के लिए राशि भी निर्गत कर दिया है, लेकिन बांका जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस विद्यालय के विकास के लिए राशि निर्गत नहीं की है, जिसके विरोध में ग्रामीण छात्र छात्राओं के साथ मिलकर अनशन पर बैठ गए। वहीं अनशन की सूचना मिलते ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शिव नारायण ठाकुर विद्यालय पहुंचे और अनशन पर बैठे लोगों को 15 दिनों के अंदर राशि निर्गत करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद अनशन समाप्त हो पाया। इस दौरान पूजा कुमारी, संजू कुमारी, कौशल्या कुमारी सहित कई ग्रामीण एवं छात्र छात्रा मौजूद थे। देखिए, बिहार सरकार का ये नियम है, जो अभी नया नियम बनाया है, कि प्रत्येक पंचायत में एक उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करना है। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक माननीय गिरवर दयाल सिंह जी हमारे विद्यालय को 5 फरवरी को दूसरे महीने में वहाँ से उत्क्रमित भी कर दिए गए हैं। जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं माननीय गिरवर दयाल सिंह जी और राज्य परियोजना के जो निदेशक हैं माननीय संजय बाबू, उन्होंने हमारे सारे राशि को भी महोता स्कूल के नाम से निर्गत कर दिया गया है। और आज दिन तक बांका के डीओ के द्वारा और डीपीओ के द्वारा हमारे राशि को बैंक में चिट्ठी देकर रोक लगा दिया है। हम गरीब महिला अच्छी आदमी, हमरा सबके खाना खर्ची नहीं मिलै छै, तऽ बच्चा पुत्र हम अपनी भागलपुर आर बका पढ़ाइ वहाँ पढ़बै, आरो जाहि लेली हमरा सनी लड़ैके लेली अधिकार मांगि रहल छी कि जे हमरा की गरीब महिला छै कि यहाँ बच्चा पुत्र हमरो लगी चम पढ़ा पारा नोनो सब तू खाएगा। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टी के नेता बैठक कर चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कहलगांव अनुमंडल के सनौला में सोमवार को सुदामा प्रसाद सिंह के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक हुई। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने संगठन की मजबूती और विधानसभा सीट पर प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जनसंपर्क अभियान युद्ध स्तर पर चलाने का निर्णय लिया। सुदामा प्रसाद ने कहा कि सनौला प्रखंड को 6 जोन में बांटा गया है, जिसमें अलग अलग जोन के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही विधानसभा क्षेत्रीय कमेटी की बैठक में उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी। मौके पर ब्रह्मदेव सिंह यादव, संजीव सुमन, कैलाश अग्रवाल, वसुदेव पंडित सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहलगांव विधानसभा में अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी आज बैठक सनहौला में संपन्न हुई, जिसमें पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। अमरपुर थाना क्षेत्र के अटमहा गांव में सोमवार को आपसी विवाद को लेकर मारपीट में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पिटाई कर घायल कर दिया। वहीं घायल करण सिंह का रेफरल अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले को लेकर घायल ने बताया कि खेत में लगे फसल को गांव के सुमर शाह के जानवर बर्बाद कर रहे थे, जिसकी शिकायत लेकर वह सुमर शाह के पास पहुंचे, जिससे नाराज होकर सुमर शाह ने दिलीप एवं किशोर के साथ मिलकर बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी और गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना को लेकर घायल ने अमरपुर थाना में आवेदन देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा मूंग और तिल जो है चरा रहा था, नुकसान कर रहा था, और जो मेरे चाचा जी को रोज धमकी दे रहा था, तो हम आए, हम बाहर में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहाँ आए तो वहाँ हम पे हमला, जानलेवा हमला किया और बोला कि यहाँ खेत से भागो, और जो है यहाँ सर फाड़ दिया, हम किसी तरह जान बचा के भागे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्रावण की पहली सोमवारी पर शिवालय रहे बंद, भक्तों ने मंदिर के द्वार पर पूजा कर कोरोना से मुक्ति की लगाई गुहार। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर व्यवसायियों ने निकाली जागरूकता रैली, शाम 5 बजे तक दुकान बंद करने की अपील। कोचिंग से घर लौट रहे शिक्षक को अनियंत्रित ट्रैक्टर ने रौंदा, मौके पर हुई मौत, गांव में मचा कोहराम। विश्वविद्यालय पहुंचा कोरोना का कहर, अधिकारी हुए संक्रमित, प्रशासनिक भवन को कराया गया सैनिटाइज। और मजदूरी कर वापस घर लौट रहे मजदूर की सड़क हादसे में हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।